सांसद डिंपल यादव इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं। कि आपने आज की सभा में जो हौसला जो उत्साह दिखाया है, मैं समझती हूँ हमारे ये विधायक बहुत जल्द बनने वाले हैं आप लोगों की वजह से। सबसे पहले कहना चाहूंगी कल भैया मेनपुरी में थे आपके, उन्होंने कहा साजिश ऐसी हुई कि खाली भैया के हाथ में चाबी और भाभी रह जाए। कहा कि नहीं कहा? क्या कहा? खाली ऐसी साजिश जिसमें खाली चाबी और भाभी आपके भैया के पास, भला ऐसा हो सकता था? साइकिल कैसे मिली हमें? आज मैं इसका आपको जवाब देती हूँ, साइकिल कैसे मिली? साइकिल हमें ऐसे मिली क्योंकि आप सब लोग जितने हैं सब लोग हमारे साथ थे, इसलिए हमें साइकिल मिली, क्योंकि आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की प्रार्थना हम लोगों के साथ थी और आप सब बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए आपको साइकिल मिली है। ये चुनाव आप अपने विधायक जी को तो चुनेंगे ही यहां से, लेकिन अगला मुख्यमंत्री और दोबारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप बताइए? ये विधायक जी का तो चुनाव है ही, लेकिन अब ये आप सबका चुनाव है, क्योंकि आपको अपने भैया के कंधे से कंधा मिला के चलना है कि नहीं चलना है? क्या आप अपने भैया के साथ हैं? आप अपने जितने भी बुजुर्ग जन हैं यहाँ पे, जितनी भी माताएं हैं, आप अपने बेटे के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? माताओं का हाथ जोर के नहीं निकल रहा, मैं खाली महिलाओं की अपनी आवाज सुनना चाहती हूँ, कितनी जोर के निकलती है सब महिलाओं की आवाज। समाजवादी पार्टी ने जब इस बार सरकार बनी थी तो बहुत ही संतुलन बना के विकास कार्य किए हैं, जहां हमने अपने गांवों को विकास में आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, वहीं हमारे शहरों में भी बहुत काम हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि आप लोग लंदन नहीं जा सकते हैं, आप लोग विदेश नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस एक्सप्रेस वे में जाएंगे और 1-1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे तो मैं समझ सकती हूं, आप देख पाएंगे कि क्या काम किया गया है समाजवादियों द्वारा, और ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं समाजवादी पार्टी द्वारा जिसमें लोगों को सीधे जोड़ा गया है। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है, जो भी घोषणा पत्र था उसको जमीन पे उतारने का अगर काम किया गया है तो हम समाजवादी पार्टी ने किया है कि नहीं किया है? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है आज यहाँ पे आके कि ये विधानसभा तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन आसपास की कन्नौज, छिबरामऊ, सब लोग अपना सहयोग दे, क्योंकि ये खाली आपके अखिलेश भैया का चुनाव है, ये फाइनल लड़ाई है अखिलेश भैया की, अब जिसमें आप सबका साथ चाहिए। साइकिल हम लोगों ने योजना शुरू करी, 108 एम्बुलेंस सेवा, ऐसी सेवा कि आप 108 नंबर मिलाएंगे और एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये 108 एम्बुलेंस मिलाने पे नंबर आपके घर घर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बिना मतभेद के पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? हम पे आरोप लगाते हैं, हम मतभेद करते हैं, हम तो इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये मतभेद करने वाले, ये कंफ्यूजन फैलाने वाले, ये अफवाहें फैलाने वाले अब बंद करें और अपना काम बताना शुरू करेंगे तो ज्यादा सही होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई काम बताएं ये लोग जो करा है, जो अपने मंचों से बोल सके, कोई काम किया है आज तक केंद्र सरकार के? कहां 70 से ज्यादा सांसद चुन के गए, हम पूछना चाहते हैं कि जो सब सांसदों ने गांव लिए थे उनकी स्थिति आज क्या है? क्या ये मीडिया वाले हमारे यहाँ खड़े हैं भाई बंधु कि ये जाके दर्शाएं कि क्या स्थिति है गोद लिए हुए गांव की? कोई काम? अब जहां काम हो रहा है तो हमारे प्रदेश को बदनाम करने में लगे हैं, क्योंकि काम हो रहा है। आपने वो गाना सुना है पुराना वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?
जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो आप सोच लीजिए, नाम हो रहा है तो बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने भैया के साथ खड़े हैं, और जहां हमने 108 एम्बुलेंस पहुंचाई है, आने वाले समय में गाय भैंसों के लिए, अपनी गाय भैंसों के लिए हम लोग ऐसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे जिसमें डॉक्टर और दवाई फोन मिलाइए और आपके घर आपके गाय भैंसों को देखने के लिए सीधे पहुंचेगा। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। हम जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, गुजरात में, जहां कच्छ में हमारी इतनी सारी महिलाएं भाजपा के गुंडों के शिकंजे में फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना होती है उसे इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो इस और ये कानून व्यवस्था का मुद्दा जो होता है, ये हर चुनाव में क्यों खड़ा हो जाता है। 70 सांसद दिए हैं, क्या ठीक करने के लिए इन लोगों ने कानून व्यवस्था को काम किया है। वही हमारी समाजवादी सरकार ने हमारी कानून व्यवस्था को सही करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी है जहां यूपी 100, आप 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस आपके घर तक आएगी, जो भी कठिनाई हो, जो भी परिस्थितियां हो, आप तक आके, और अगर FIR भी लिखवानी पड़ेगी तो FIR लिखवाने का भी काम करेंगे। और आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बन जाएगी तो यह व्यवस्था में और सुधार कैसे ला सके, इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, और जो काम उत्तर प्रदेश में इस बार शुरू हुए हैं, जो काम मैं कह रही हूं आपसे, जो काम, वह देश के लिए उदाहरण बनने जा रहा है, और प्रदेश भी इसी तरह के काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिजली में कितना काम हुआ है, जहां हम लोग अपने गांव को 16 से 18 घंटे बिजली देने में समर्थ हो गए हैं आज की तारीख में, वही हमारे शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है, और आने वाले समय में हम 24 घंटे बिजली अपने गांव वाले इलाकों में पहुंचाने का काम करेंगे। सड़कों का तो जाल बिछा है, जो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछाएंगे उनको मालूम ही नहीं है कि सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम समाजवादी लोग कर चुके हैं। मैं समझती हूँ विधुना में भी बहुत सड़कें बनी है कि नहीं बनी है, बहुत सड़कें बनी है। सीसी रोड किसने शुरू करवाई बताइए, सीसी रोड क्यों शुरू करवाई? भैया इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं आप लोगों की तकलीफों को, समझते हैं और करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, और मैं समझती हूँ आप सब लोग मौका देंगे कि नहीं देंगे काम करने का। विधुना से फफून की सड़क बनी है, विधुना से दिव्यापुर की सड़क बनी है, फफून औरैया, विधुना से छिब्रामो 4 लेन, बेला कन्नौज, अन्य कई सड़कें बनी हैं, कई पुल बने हैं, और आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे, एक बार तो गलती हो गई है प्रदेश से, हो गई है कि नहीं हो गई है, पूरे प्रदेश से गलती हो गई है। कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ करा देंगे, हम पूछते हैं 3 साल तक कहां गायब थे जो अब आके कह रहे हैं किसानों का ऋण माफ करा देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आप तो ऋण चाहते तो पहले ही साल माफ करा देते कि नहीं। आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है फिर से, आप लोग उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, ये मैं आपको आज कह के जा रही हूँ। चाहे वो हमारे कोई भी किसान भाई हो, ये लोग खाली फंसाने वाली बातें करेंगे, जमीन की बात नहीं करेंगे, मन की बात तो घंटों करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। और क्योंकि आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही, मंचों में विरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमने मन से काम किया है, दिल से काम किया है, और आगे भी करेंगे इस प्रदेश के विकास के लिए। वही मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हमने जहां 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, और जिसमें से 50 से 60% लैपटॉप हमारी छात्राओं को मिले हैं, बताइए ये लैपटॉप झुंझुना था लैपटॉप, यहाँ भी किसी ना किसी हर गाँव पहुंचा है एक एक लैपटॉप, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये झुंझुना था। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि वो खुशहाली की तरफ बढ़े,
उनको नौकरी मिले हम चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने जो लैपटॉप दिया है ये अब फिर हम अपने मेधावी छात्रों को तो देंगे ही, छात्र छात्राओं का, पर आने वाले समय में हम आप सब गरीब परिवारों में एक स्मार्टफोन भी देंगे। और ये स्मार्टफोन हम इसलिए देंगे क्यों इतनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और लोगों को पता नहीं होता है कि क्या योजनाएं चल रही है। तो आप सीधे सरकार से जुड़े उन योजनाओं को लाभ उठा सके, इसलिए हम आपके घर घर तक स्मार्टफोन पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे विपक्षी दल कुछ भी कहे। बड़ी विकास वाली सड़क के बारे में सुना होगा, अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बारे में सुना होगा, जहां पे 12 पुल बनाए गए हैं और वो नेताजी के आशीर्वाद से ही बने हैं। अगर नेताजी नहीं कहते 2 साल में ये सड़क तैयार होनी है तो मैं नहीं समझती थी कि इतना बड़ा काम इतने कम समय में हो सकता है। जहां इसमें भैया को तो श्रेय जाता ही है, वही नेताजी को भी श्रेय जाता है इसका कि 2 साल में ऐसी सड़क पूरे देश में कहीं नहीं बनी है। मैं चाहती हूँ और राज्यों में भी, तो विपक्षों की सरकार है, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई ऐसी जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, और जिसके ऐसी सड़क जिसके किनारों में आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे जिससे कि हमारे किसान भाई उन मंडियों में सीधे जाए और अपना उपज बेच सके सही मूल्यों पे। तो ये काम करने में हम आप सबका सहयोग चाह रहे हैं। इसी के साथ आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत है मैं समझती हूँ, तो पानी की समस्या में भी काम करेंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ पत्थर वाली सरकार ने क्या किया मैं पूछना चाहती हूँ। हम बताते हैं, हमारे लखनऊ में बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, भैया ने बोला ना हाथी, बड़े बड़े हाथी लगे हैं, जो खड़े हैं जो बैठे हैं ठीक है भाई। मैं एक लाइन और जोड़ती हूँ, सारे हाथी एक लाइन से खड़े हैं। अगर आप जाके देखेंगे क्या खड़े हैं, सारे हाथी एक। तो एक सरकार ऐसी है जिसने हाथियों को लाइन पे खड़ा किया है और एक सरकार ऐसी है जिसने हमारे समस्त प्रदेशवासियों को, पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किया है कि नहीं किया। आपके सारे 500,000 रुपए के नोट ले लिए कि नहीं ले लिए, क्या आपके पैसा काला धन था? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा, आपके खून पसीने की कमाई का पैसा क्या काला धन था? क्या उन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए वह आप लोगों के अकाउंट में पहुंचाएंगे? किसी एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचे हो? एक के भी 15,000 ही पहुंचे हो? किसी के पहुंचे? वही हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान हुआ नोटबंदी के में, आज भी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हजारों लोगों की जाने गई कि नहीं गई, बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? हमारी महिलाओं का भी पैसा बचा के रखती है सब महिलाएं, बहनें भी रखती है मेरी थोड़ा थोड़ा बचा के, मैं भी रखती थी छोटे में बचा के पैसा, हाँ, तो वो पैसा भी बैंक में जमा कर लिया गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इधर जितने भी हमारे युवा और जितने भी बड़े लोग खड़े हैं, कि क्या आप पैसा महिलाओं को वापस देंगे जो बैंक में पहुंच गया है? देखिए अब तो मिलेगा नहीं, अब फिर जोड़ना पड़ेगा, न जाने कितने महीने लग जाएंगे जोड़ने में, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो आपके पैसे भी जमा कर लिए, और वही समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ा है, और आने वाले समय में हम सभी पेंशन है, हमारी विधवा पेंशन, हमारी विकलांग पेंशन और जितनी पेंशन, 1 करोड़ महिलाओं को हम इस पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे और 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का काम करेंगे। वही कहा गया, सुनिए भाई, कहा गया कि महिलाओं को चूल्हा देंगे, चूल्हा देने के लिए कहा गया था ना, हाँ एड आ रहे 5 करोड़ चूल्हे बांटेंगे, एक को भी चूल्हा मिला? किसी भी एक को? हम चाहते हैं आप लोगों को मिले, आप हकदार है, हम लोग सरकार में आते क्यों है, आप लोगों की सेवा करने के लिए तो आते हैं, तो किसी एक को चूल्हा मिला? कोई बात नहीं, लेकिन जब अगर चूल्हा मिल जाएगा, 3 साल हो गए एक चूल्हा भी नहीं मिला, लेकिन समाजवादियों की सरकार बनेगी और हम आप महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का काम करेंगे।
जिससे कम समय में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहनें भी किचन में काम करती है, मैं भी छोटे में किचन में काम करती थी, मैं 15-16 साल की थी, तो जिससे कम समय में आप लोग खाना बना पाएं और चीजों में ध्यान लगा पाए, तो इसलिए हर गरीब महिला को हम प्रेशर कुकर देने का काम करेंगे। और हमारी छात्राओं को 10 से 12 जो कक्षा पास छात्रा है उनको साइकिल देने का भी काम करेंगे, और गर्भवती महिलाओं को अभी खाना देने की जो योजना शुरू करी गई है, और आने वाले समय में ये खाना कैसे गर्भवती महिलाओं के घर तक पहुंचाए, हम राशन उनका गर्भवती महिलाओं का, इस पे भी हम काम करेंगे। और इसी के साथ प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत अच्छी नहीं है,